हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हूँ? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ जो कि हंगरी का है। हंगरी सब जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस कंट्री है। तो इससे पहले कि हम स्कॉलरशिप के लिंक पर जाए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माय चैनल। सो चलिए चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ जिसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस पे जाके सारी डिटेल्स पढ़ने हैं और स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, स्टिपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप 2020 एंड एट यूनिवर्सिटी ऑफ डिब्रकेन। डिटेल्स, जो कंट्री है वो हंगरी है। होस्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ डिब्रकेन। बैचलर, मास्टर और डॉक्टर के लिए है ये स्कॉलरशिप। फील्ड ऑफ स्टडी, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो फील्ड ऑफ स्टडी, इसमें से आप कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं जो भी आपका फील्ड है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है, बीएससी फूड इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं। बिजनेस प्रोग्राम में बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बीए, कॉमर्स एंड मार्केटिंग पीए। इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है, बायोकेमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एट्सेट्रा, इसमें आप खुद आके देख सकते हैं। हेल्थ के जो प्रोग्राम है, नर्सिंग एंड पेशेंट केयर, पब्लिक हेल्थ। ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम में इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज़। आईटी प्रोग्राम में बिजनेस इंफॉर्मेटिक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। साइंस प्रोग्राम है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इस तरह के ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आप खुद आके देख सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उधर से आके सारे डिटेल्स पढ़ने हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिसमें आप सारे देख सकते हैं। पीएचडी डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में भी आप आके देख सकते हैं। अगर आप पीएचडी डॉक्टरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि आपको इस स्कॉलरशिप में क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री ट्यूशन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, यानी ड्यूरेशन के दरमियान जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं उसकी फीस गवर्नमेंट अदा करेंगे। मंथली ग्रांट फॉर स्टूडेंट्स और बैचलर मास्टर्स, यानी आपको मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा जिसे हम पॉकेट मनी भी कह सकते हैं। आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा ड्यूरेशन इन स्टडी। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एफएससी यानी कि 12 ईयर कंप्लीट एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिग्री सबमिट करनी होगी। आपकी जो शॉर्ट सीवी है वो सबमिट करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट एंड परमिट रेजिडेंस यानी कि पासपोर्ट की जो कॉपी है वो सबमिट करनी है। सिटीजनशिप परमिट रेजिडेंस मेडिकल प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड सबमिट द मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, यानी कि आपका जो फिजिकल और मेंटली टेस्ट है वो भी आप जमा करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, इधर से आप क्लिक करके फॉर्मेट भी देख सकते हैं, यानी टेम्पलेट देख सकते हैं। आप पाकिस्तान में
किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के अपलोड कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करनी है वो भी आप देख सकते हैं। बिफोर सबमिटिंग यानी सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिटिंग या एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपने इस वेबसाइट पे आके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है पार्टनर तो आप, अगर आपका कोई हंगरी में पार्टनर है यानी कि कोई रिलेटिव है तो आप उसके ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट बाय हैंड सबमिट करा सकते हैं। सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी योर इंटर्न अप्लाई फॉर टू यानी कि आप दो प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इधर से भी पढ़ सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, आपने किस तरह सारे फॉर्म या सब कुछ किस तरह फिल करने हैं। पार्टनर के ज़रिए भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन एवेशनेंट स्पावर्ड यानी कि आप इस वेबसाइट पे आके डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन डेडलाइन आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2020 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जी यूनिवर्सिटी आप डिब्रकम है उस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपने एक फॉर्म फिल करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इधर आके सारे जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्टेड बात है वो ये है कि Having an IELTS TOEFL language certificate is not a compulsory requirement. अगर आपके पास IELTS या TOEFL नहीं है तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह अप्लाई करें, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिल करनी है। यूनिवर्सिटी की फॉर्म आपको इधर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके, तो जी हाँ दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। इसमें आपने प्रोग्राम आप स्टडी फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स में सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर ले, ग्रेड सेलेक्ट कर ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर, आप सेमेस्टर भी सेलेक्ट, आपने कौन से सेमेस्टर में 2022 2020 2019 2020 में आप अप्लाई हो सकता है। तो आपने इधर से ये डेट सेलेक्ट करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने फैमिली नेम यानी कि मेरा नाम जो है ना आकिब हुसैन है तो मैंने फैमिली नेम में हुसैन लिखना है, गिवन नेम में आकिब लिखना है। तो डिस्प्ले नेम जो है आकिब हुसैन होगा, जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है आप, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ कंट्री यानी किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, बर्थ सिटी किस सिटी में, नेशनैलिटी पाकिस्तानी जो भी आपके नेशनैलिटी है, मदर फैमिली नेम, मदर गिवन नेम यानी जिस तरह अपना नाम हुसैन उस तरह आपके मदर नेम भी लिखने, मदर डिस्प्ले नेम लिखने, पासपोर्ट नंबर लिखना है अपने, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपने अपनी ईमेल देनी है, एडिशनल ईमेल अगर आपके कोई और ईमेल है वो भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है, होम एड्रेस है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे आप फिल कर सकते हैं। प्रीवियस स्कूल, जिस स्कूल से आपने, जैसे कि अगर आपने एफएससी कोई की हुई है, जिस स्कूल से की हुई है वो आप, जैसे कि मैंने कॉलेज या फॉरेन इंस्टीट्यूट सेकेंडरी स्कूल, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सेकेंडरी स्कूल, डिप्लोमा लेवल जो आपका है बी सेकेंडरी तो आपने सेकेंडरी करना है। इस तरह की इशू डेट जिस डेट को आपकी जो रिज़ल्ट वगैरह या डीएमसी डिप्लोमा या कोई भी डिग्री है उसका डेट आप लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ द स्कूल पाकिस्तान या जिस कंट्री में आपने किया हुआ है वो। ते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल और बैचलर, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने एफएससी इस तरह 12 ईयर का जो कंप्लीट एजुकेशन है वो तमाम के तमाम
मतलब कि सॉरी, तमाम के तमाम नहीं, सिर्फ FSC की जो डिग्री है वो आपने सबमिट करनी है। पासपोर्ट आईडी का, आपने पासपोर्ट का जो आईडी होता है वो फर्स्ट पेज जो होता है वो आपने अपलोड करना है। पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है, जिस पर नंबर लिखा होता है, आपका तस्वीर होता है उस पे, तो आपने वो शॉर्ट CV, अगर आप ये अपलोड ना भी करें तो कोई कंपलसरी नहीं है ये, आपने एक फ़ोटो जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फ़ोटो आपने एक अपलोड करना है। इधर मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बता दिया है, आपने वो अपलोड करना है। डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं, आपने इस पे चे आप ये पढ़ के ना इस पे चेक कर सकते हैं। इन तीनों पे आपने चेक करके फॉर्म सबमिट करना है। अब ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का फॉर्म, अब आपने स्कॉलरशिप के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है। अब स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म फिल करनी पड़ती है वो आपको इस वेबसाइट से, जो कि मैंने आपको सारा डिटेल इस वेबसाइट से समझाया है, आपने हाउ टू अप्लाई फॉर द स्टिपेंडियम वगैरह वगैरह, इस पे जो इधर नीचे एक वेबसाइट है विजिट, आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है। तो जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर लोगे तो आपको जो हंगरी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि एम्बेसी का है, उस पे आपने अपनी सारी डिटेल्स देने हैं, जैसे कि गिवन नेम है, ईमेल देना है, स्काइप आईडी भी देना, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू होगी वो स्काइप पे ऑनलाइन होगी। आपने अपना फोन नंबर देना है, सिटीजनशिप, ये आप, क्योंकि आपने इसमें से ये ज़रूर पढ़ना है, और साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको एक स्कॉलरशिप फॉर्म, जो कि आपके इसी वेबसाइट से निकालना है, क्योंकि अब मैंने सारा डाटा फिल नहीं किया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको, जब आप साइन अप पे क्लिक कर लोगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इसी वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म होगा स्कॉलरशिप फॉर्म, वो भी आपने फिल करके सबमिट करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस स्कॉलरशिप के बारे में बताना था, जो कि मैंने डिटेल से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है, मैं आपको सल्यूशन बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्कॉलरशिप्स अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।